स्टेयरिंग तो बढ़िया काम कर रहा भाई, स्टेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं है। देखो मतलब एक उंगली से भी आप इसको चला सकते हो, ये देखो। हेलो भाई, मैं विवेक और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अपने स्वराज 735 का जो पावर स्टेयरिंग है उसके काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि भाई उसमें क्या हुआ, मतलब कितना खर्चा आया, आज उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सेल्फ की, तो वो अपन ठीक करवाते हैं। इसकी एक थोड़ी सी मतलब छोटी सी जो डिब्बी है 1100 रुपये समथिंग की है, वो वाली ख़राब हो गई, सेल्फ के ऊपर लगी हुई होती है, तो वो चेंज करवा के लाता हूँ। उसके बाद में फिर आपको दिखाऊँगा 735। इसकी डिब्बियाँ ख़राब है ये वाली, और ऑयल सील भी फट गई। ऑयल दिख रहा नहीं दिख रहा, ये यहाँ से देखो ये वाली मेन ऑयल सील गई इसकी। खैर ये तो चलेगी, अभी जब अपन फुर्सत होंगे तब चेंज करवा लेंगे ये ऑयल सील, तो अभी तक अपन ने नहीं करवाई लेकिन अब करवाना पड़ेगा। देखो अब आने लगा ऑयल, ये डिब्बी काली हो गई काली। अपना जो सेल्फ का काम है भाई वो हो गया है, और अभी मैं ट्रैक्टर को छोड़ने जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि वहाँ पे ये चलेगा आज और दिन भर। कल भी दिन भर चल रहा था, इसमें तो खुशबू आ रही थी ऐसी जैसे इसकी कहीं से वायरिंग में आग लग गई। मैंने सब दूर चेक किया लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला, फिर बाद में पता चले ये अपनी डिब्बी ही जली होगी, क्योंकि मैंने आके घर बंद कर ट्रैक्टर कर दिया और उसके बाद में जब सुबह अपन ने स्टार्ट किया तो चालू ही नहीं हुआ, मतलब वो डिब्बी में ही आग लग रही थी। मैंने सब दूर बोनेट खोल के देख लिया वहाँ कौन सी वायरिंग जल रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला 1100 का खर्चा है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको खेत में छोड़ के आता हूँ, वहाँ पे ये चलाएगा भाई नॉर्मल कल्टीवेटर, वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में बात करेंगे अपने 735 की, वो घर ही खड़ा है अभी। अब बात करते हैं भाई अपने स्वराज 735 के बारे में। मतलब बहुत से भाइयों का कमेंट था कि भाई इसका हमें पावर स्टीयरिंग दिखाओ कि कितने में आपने किया, क्या क्या सिस्टम है पावर स्टीयरिंग में, इसमें कितना टोटल खर्चा है, वो सारी बात आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, तो भाई ये है 1996 मॉडल, 2010 मॉडल का इसके अंदर डला हुआ है इंजन। इंजन का फर्क आप यहाँ से देख सकते हो भाई, ये देखो कलर इसका अलग है और यहाँ से कलर इसका अलग है। आपने अगर पुरानी वीडियो देख रखी है तो भाई इसका इंजन अपन ने चेंज कर दिया था। और अगर इसकी पावर की बात करें तो भाई इसके अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, मतलब 50 HP तक के ट्रैक्टर को अगर आप टोचन कर रहे हो तो खींचने की ताकत रखता है अगर बेट बराबर करोगे, क्योंकि 50 HP है तो उसमें बेट ज़्यादा रहेंगे। टायर भी उसका बड़ा है, इसका मात्र 12/4/28 का टायर है। अगर बेट बराबर कर रहे हो तो भाई ये खींचने की ताकत रखता है, उसको भी मतलब खींच सकता है ये। और अभी बात करें भाई पावर स्टीयरिंग की, तो सबसे पहले आप देखो भाई पावर स्टीयरिंग में लीकेज, ये देखो ये चीज़ भी मेरे को बतानी थी। बहुत से भाइयों कमेंट आ रहे थे कि भाई अब बताओ इसमें कितना खर्चा हुआ, आपने कैसे किया। मैं बताने को भाई ये वीडियो पहले ही बना के डाल देता कि भाई मैंने इतना खर्चा हुआ और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन जब तक मैं खुद टेस्ट नहीं करूं और आपको बता दूं कि भाई मैं बोल देता भाई बढ़िया चल रहा पावर स्टीयरिंग, क्योंकि अभी तक बढ़िया चला और उसके बाद में भाई ये सिस्टम हो जाता। ये देखो अभी ये किस कारण हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो अपन ने इंजन चेंज किया, इंजन चेंज इसलिए किया क्योंकि इसका ये जो पंप था ये था भाई पहले अंदर, दूसरा अपने इंजन में भी थोड़ा सा काम था, और अपने को जब 2010 मॉडल इंजन मिल गया था तो फिर मैंने सोचा भाई इंजन ही चेंज कर देते हैं, इंजन बढ़िया है अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आप इंजन की अगर कंडीशन भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन ने इंजन इसका लिया था तब अपना ये नहीं था कि भाई अपने को पावर स्टीयरिंग भी करना है, क्योंकि अगर पावर स्टीयरिंग करने का पहले सोच लेते तो अपन ये डबल पंप वाला लेते। वैसे मेरे को मिल नहीं रहा था, मैंने तभी सोचा था कि डबल पंप वाला मिल जाए, लेकिन तब मिला भी नहीं मेरे को। तो फिर मैंने बाद में इसको भाई हमने पावर स्टीयरिंग किया, पावर स्टीयरिंग हमने सिंपल एक ही पंप से किया, अपना जो 855 है उसमें भी एक ही पंप से किया हुआ है, लेकिन वो कंपनी फिटेड है, उसमें अपन ने अलग से कुछ नहीं किया। तो एक ही पंप से भाई ये सिस्टम कर दिया, उसका जुगाड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाली जो नॉर्मल नली है ये तो गई, इसमें पूरा सिस्टम अलग से कसाया ये वाला भी। उसके बाद में एक यहाँ से ये जो नली है ये देखो ये सीधी आई अपनी पावर स्टीयरिंग में, ये पावर स्टीयरिंग में दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ पावर स्टीयरिंग में गई। और एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये पावर स्टीयरिंग में यहाँ से आके इधर से आके यहाँ पे लग गई, और ये वाली जो नली है ये इसमें यहाँ से कनेक्ट हो गई। मतलब इसका सारा तामझाम तो एक इनलेट है, इसमें एक आउटलेट, ज़्यादा इसमें मगजमारी है नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों का ऑप्शन है, एक इनलेट एक आउटलेट, और ये तामझाम है ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा, मतलब चार नली नहीं लगती जो अपना नॉर्मल स्टीयरिंग आता है कंपनी से, उसमें 3-4 नली, मतलब उसमें बहुत सारी नली होती, समझ में भी नहीं आता उसमें, तो इसमें नॉर्मल था सब बढ़िया हो गया। मैंने इसको 3-4 दिन ऐसे नॉर्मल चलाया भी, ट्रॉली पे वगैरह कुछ नहीं हुआ। इसमें दिक्कत का भाई वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन ने इससे सोयाबीन की भरी हुई ट्रॉली ऊपर
ऊपर उठा दी। अब ऊपर उठा भी इसने, लेकिन जब वापस नीचे आई तो इस पर इतना प्रेशर पड़ा कि कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं आई, बस यहाँ से ऑयल गिरना स्टार्ट हो गया। और अगर आप नीचे देखोगे तो भाई मेरे को लगाना पड़ा इसमें तगारी। ये कल से यही सिस्टम है और उसने पूरा भाई सिर दर्द करा दिया, क्योंकि अपन ने इतने प्यार से इसको बनाया, इतना पैसा लगाया और ये सारा सिस्टम हो गया। तो अब आप बताओ कि भाई इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका काम तो मेरे को करवाना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो अपना सीजन भी चल रहा है तो अपन ये वाला सिस्टम निकाल के इसको नॉर्मल स्टेयरिंग भी चला सकते हैं। ये नली को डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो पुराना सिस्टम था वो लगा के चला सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और ऑप्शन है कि अब क्या किया जाए। चलो ये जो होना था हो गया। मैं आपको आप एक सलाह और दूंगा कि मतलब एक अपने महाराष्ट्र वाले भाई थे, उन्होंने मेरे को बहुत बोला था कि आप एक पंप में मत करो, ये सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा चलो अब एक बार करके तो देखते हैं, अब नहीं सक्सेस होगा तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तो मेरे यहाँ पे भाई इतनी जल्दी सामान नहीं मिलता, अब ये कल से खड़ा अगर सामान मिल जाता तो मैं अब तक इसको सीधा वहीं पर छोड़ के आता और सीधा दोनों पंप लगाने के बाद में ही आपको दिखाता। लेकिन चलो जो हो गया वो छोड़ते हैं। अभी मैं इसका ये वाला सिस्टम मतलब देख रहा हूँ कि मेरे को कहीं पे मिल जाए। मैंने काफ़ी जगह पता भी किया है, ढूंढा भी है। ये अपनी जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग कवर, ये जो पूरा टाइमिंग कवर है ये बदलना पड़ेगा। अब अपने पास एक तो टाइमिंग कवर का ऑप्शन है बदलने का, क्योंकि अपने को डबल पंप वाला चाहिए, एक पंप ये हो जाएगा, एक पंप यहाँ पे आगे लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है अपने पास कि इसके पीछे एक और पंप, मतलब अपन टेंडम पंप लगा सकते हैं। टेंडम पंप का सिस्टम बहुत कम है, मैंने महाराष्ट्र में मतलब बात करी थी, वहाँ पे एक अपने भाई है नितिन भाई, उन्होंने मेरे को बताया भी सारा सब सिस्टम हमारा हो गया था। लेकिन ये नली थोड़ी सी भाई दिक्कत देगी अपने को। तो फिर वो पंप अपने को पड़ रहा था भाई 16-17 हज़ार के समथिंग, मतलब इतना खर्चा आ जाता उसमें टोटल। तो फिर उससे अच्छा ये है कि भाई ये टाइमिंग चेंज मतलब टाइमिंग कवर, मैं चेन बोल रहा हूँ बार बार, टाइमिंग कवर इसका अपन चेंज कर दे। टाइमिंग कवर की भाई मैंने अपने यहाँ प्राइस पूछी थी तो 7,500 थी, और जो इसका नया मतलब आप आएगा वो है 9,500 रुपये में, कहीं पे मतलब 9,500 में, कहीं पे 7,500 में, इतना कुछ में ये मिल रहा है। तो उससे मतलब डबल पंप लगाने से बढ़िया भाई इसकी टाइमिंग जो कवर है अब वो चेंज कर दो, सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से तो वही है। और मैं भी वही करने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं से पुराना मिल जाए, अगर पुराना नहीं मिला तो भाई मैं इसके अंदर नया ला के लगा दूंगा। लेकिन आप कभी भी भाई ऐसे सिंगल पंप पे इसको ट्राई मत करो, क्योंकि ये झेल नहीं पाता। जो 855 में वो काफी मोटा सिस्टम है, इसके बस की बात नहीं है भाई इतना प्रेशर लोड झेलना। अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसमें क्या क्या सिस्टम हो गया है अपने साथ, मैंने मतलब इसको पूरा कंप्लीट करा लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लाइट वायरिंग पूरी मेहनत करके मगजमारी करके पूरा अपना काम करवा लिया था, सारा सिस्टम नया डला दिया था, फ्यूज बॉक्स ये सारा। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। और साइलेंसर, स्टेयरिंग भी अपन ने इसका चेंज कर दिया था, ये वाला काफ़ी प्यारा था, लेकिन बाद में अपना ये सिस्टम ख़राब हो गया। अब आप बताओ कि भाई इसका करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से भाई इसमें डबल पंप वाला सिस्टम लगा देते हैं, नए मॉडल वाला, बस एक वही कमी है, बाकी तो भाई ये पूरा 2010 मॉडल से भी ऊपर वाला 2022 मॉडल बन जाएगा, क्योंकि 10 मॉडल इंजन है इसका, 96 मॉडल ट्रैक्टर है, 11 मॉडल की अपन ने लाइट डाल दी है, उसके बाद में 2021-22 मॉडल के ये वाला पंप, ये मतलब ये स्टेयरिंग है, क्योंकि नया नहीं आया है स्टेयरिंग बॉक्स। अगर आप इसको दूसरे ट्रैक्टर में लगाना चाहते हो तो भाई उसमें तो काफ़ी जुगाड़ से लगेगा, क्योंकि स्वराज के लिए है। तो स्वराज में ये देखो पूरा फिट हो गया, अपने पास जो मॉडल है इसमें पूरा फिट हो गया, अपने को कोई मगजमारी, ये जो प्लेट है ये भी चेंज करनी नहीं पड़ी इस वाले मॉडल में 735 में। अगर 44 में लगा रहे हो तो भाई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आप कोई से भी ट्रैक्टर में लगाओ आपको दो पंप लगाना जरूरी है। अभी इसमें जितनी चीज़ अपन ने कराई उसके खर्चा बताता हूँ, तो भाई इतने का खर्चा लगभग 30,000 रुपये इसमें लग चुके हैं। अभी और लगेंगे जब अपन ये चीज़ चेंज करेंगे ना, पंप, तो ये टोटल अगर आपको बताऊं तो भाई ये 50,000 रुपये पे जाएगा। मतलब अगर आप स्वराज का ट्रैक्टर करा रहे हो तो 50-55 हज़ार रुपये में आपका पावर स्टीयरिंग होगा, और अगर अदर है जैसे महिंद्रा या फिर मेसी, उसका भाई अलग तामझाम है, क्योंकि उसकी ये चीज़ क्या चेंज होगी, कौन सा पंप डलता है उसमें, उसका पंप कितने का आता है, ये भाई मेरे को नहीं पता। तो उस हिसाब से भाई आपका खर्चा अलग अलग रहेगा। बाकी स्वराज में 50-55 हज़ार रुपये में भाई हो सकता है, लेकिन ये वाला अगर पंप डाल रहे हो तो भाई ये ऐसे मतलब ज़्यादा ऐसे मजबूत नहीं है भाई, 35-40-45 एचपी तक के लिए ये चीज़ है। उससे बड़ा ट्रैक्टर है तो भाई मेरे हिसाब से फिर उसमें जो नॉर्मल अपने बड़े ट्रैक्टरों में आता है वही वाला पंप रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तो पतले टायर है। 744 में भी जो पतले टायर आते हैं उसमें आप ये लगवा सकते हो, उसमें तो बढ़िया चलेगा, मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जैसे अब ये फट गया तो उतना मजबूत भी नहीं, इसको अपन बता सकते कि ये मोटे मोटे टायर को घुमा दे। बाकी अपन और चलाएंगे उसके बाद में, मैं आपको और बताऊंगा। अभी तो मैंने इसका इतना यूज़ नहीं किया कि मैं आपको इसका मैं मतलब बढ़िया रिव्यू दे सकूं कि भाई ये कैसा क्या है। इसमें फिटिंग तो भाई नॉर्मल थी, जिसमें अपने ट्रैक्टर में तो भाई कुछ नहीं लगा, ये देखो ना बिल्कुल जैसे कंपनी फिटेड था बिल्कुल वैसे फिट हो गया, कुछ ज़्यादा अपन ने छेड़खानी नहीं करी, सिर्फ ओरिजिनल चीज़ रखी। लेकिन अब आप कमेंट करके बताओ कि भाई इसका क्या करना चाहिए और ये कहाँ पर मिलेगा मेरे को पुराना,
क्योंकि पुराना मिल जाए तो भाई कम में काम हो जाएगा, नया डाल के ये टाइमिंग कवर कोई मतलब है नहीं। एक पंप तो अपना अपने को नया डालना पड़ेगा, ये वाला तो मेरे हिसाब से यही वाला काम दे देगा, दे देना चाहिए, नहीं तो अगर ये भी चेंज हुआ तो फिर तो इसका खर्चा और ज़्यादा जाएगा। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें जो भी खर्चा था वो भी मैंने आपको बता दिया, प्लस इसका सारा काम अपन ने करवा दिया था, ओके, लाइट वाइट सारी चीज़ चालू करा दी थी और चलने में भी ये बहुत बढ़िया है। एक बार अभी मैं आपको इसका स्टेयरिंग भी चला के दिखा देता हूँ कि जब अपना ये ऑयल सील इसकी लीकेज हो गई है, यहाँ से भी ऑयल आ गया था, तो ऑयल सील जब लीकेज हुई तो भाई स्टेयरिंग अपना काम कर रहा है कि नहीं। अभी देखो ये नॉर्मल है, अभी तो घूम नहीं रहा। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखो स्टेयरिंग तो बढ़िया काम कर रहा भाई, स्टेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं है। देखो मतलब एक उंगली से भी आप इसको चला सकते हो, ये देखो। वैसे तो अपने पास ये है तो उंगली की अपने को ज़रूरत नहीं है। स्टेयरिंग तो बढ़िया काम कर रहा है, बस ये लीकेज का ही थोड़ी सी दिक्कत है। और अभी तक शायद ऑयल आया होगा, अभी तो ऑयल हाँ हल्का हल्का से, ये देखो यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।